राम नाम के भज के प्राणी जीवन सफल बनावा, मर्यादा पुरुषोत्तम के छवि आपन हृदय बसावा। राम कथा सुन राम कथा, राम कथा सुन राम कथा, राम कथा सुन राम कथा, राम कथा सुन राम कथा। श्री राम, जय राम, जय जय राम। आज की कथा में आप लोग के स्वागत बा। काल सुनाव जात रहे कि आखिरी समय में जैसन विचार होला आदमी के जन्म वैसे ही होला। वही हिसाब से सती जी पार्वती जी के रूप में जन्म ले ली। कई धर्म के लोग ना मानेला कि अगला जन्म होला, बाकी हमनी के धर्म सबसे पुरातन, सबसे प्राचीन, सबसे पुरान धर्म है और ये विज्ञान के कसौटी पर खरा धर्म है। ये सब क्यों जानता कि न जाने कितना इस संसार में लोग बा जेकरा पिछला जन्म के बात भी याद रहेला। बहुत तरह के लोग पर पुस्तक भी लिखले बा। हमने के तो अपना भागवत पुराण में भी वर्णन बा कि राजा जड़ भरत तपस्या के मन भइल, वहां का तपस्या करे चल गई और उनका आश्रम में एगो हरिन के बच्चा रहे। वह हरिन से उनका लगाव इतना हो गई कि एक दिन नदी में पानी आई, वह हरिन के बच्चा बह गई और वही मोह में, वही सोच में वहां का डूबल रनी, वहां का शरीर शांत हो गई, मर गई नहीं। जब जन्म भइल तो वह के जन्म एगो हरिन में हो गई। ये कथा भागवत में आवेला, रो लोग जाना था कहे। और हरिन बनला के बाद भी राजा भरत के सब बात याद रहे कि हम खाली मोह में पड़ गई नी और आखिरी में हरिने ध्यान में रहे, यही से हमारे जन्म में हरिन में भइल बा। फिर आदमी में वहां के जन्म भइल, फिर आगे के कथा बा। यहां सती जी के मन में यह भाव रहे कि हे नारायण, शिव जी के चरण में हमार जन्म जन्म अनुराग रहे, वह का पति के रूप में जन्म जन्म हमारा मिली। और वही कारण सती जी जैसे मरली हिमाचल के घर में उनकर पार्वती जी के रूप में जन्म भइल। और जब से उमा पार्वती जी वो घर में अली, पूरा हिमाचल में खुशहाली आ गई, सब फूल खिले लगलन और तीन तरह के जो हवा बा, बयार बा, शीतल मंद सुगंधित बयार बहे लगल। साधु संत ऋषि मुनि सब वहां हिमाचल में पहुंचे लगल लोग और हिमाचल वो लोग के रहे खातिर व्यवस्था करे लगले। सब कहू कि यहाँ धन के वर्षा होके लगल, खुशी की वर्षा होके लगल। वही समय पे नारद मुनि के मन में विचार आयल कि जगदम्बा भवानी फिर से लीला करे आयल बाड़ी, तो चल के देखी का लीला करता रे। गोस्वामी जी वर्णन करत रे, नारद समा चारे सब पाए, नारद समा चारे सब पाए, कौतुक ही गिरी गे हसिधाए, कौतुक ही गिरी गे हसिधाए, नारद समाज शैलराज बड़े आदर की ना, पर बखारी बर आसन दीना, पर बखारी बर आसन दीना, नारद समा चारे सब पाए, नारद समा। नारद जी का ये समाचार जब मिलल कि जगदम्बा भवानी अवतार लेले बाड़ी, हिमाचल के घर में पैदा भइल बाड़ी, तो नारद जी वहां चहुंप गईनी। शैलराज हिमाचल जन रले, नारद जी की वहां का स्वागत कैनी, सत्कार करनी, चरण पकड़नी, सिंहासन पर बैठैनी। अब मन में जिज्ञासा भइल, हमनी के समाज में एगो प्रचलन बा बहुत पुरान काल से कि कोनो संत महात्मा साधु आ जाए तो लोग अपन भविष्य पूछे लगेला। ये समस्या हमनियों के सामने आवेला,
कि जहां जाए लोग हाथ लेके सामने आ जाला कि बाबा तनी देखिए हमारा भाग में कुछ लिखल बा। ठीक बाय में कोनो खराबी नहीं खे क्योंकि पुराण चलल आ रहा बा। तो ये बात वहू जा भैल कि नारद जी जब है नहीं है तो हिमाचल जी पार्वती जी के लेके पहुंच गनी कि तनी बेटी के देखी बा कुंडली तनी एक हाथ के एक भाग में कुछ लिखल बा। जब नारद मुनि देखनी तो हंसे लगनी कि यहाँ का तो जगदम्बा भवानी है, आदि शक्ति है, शिव जी के अर्धांगनी है, इनकर भाग हम का बताए। बकर ठीक बाब हिमाचल का कुछ बतावे के बा उनका के तो बता दिया। तो नारद जी कहता नहीं कि हे हिमाचल तू बड़ भाग बड़ा, तहार भाग बहुत बड़ बा, तहार बेटी बहुत सौभाग्यशाली बड़ी, इनका नाम उमा अंबिका भवानी जगदम्बा दुर्गा शैलजा शैलपुत्री इस तरह के इनका नाम हुई। और इनका नाम के लेके जिस धरती पर नारी लोग बा उन लोग के कल्याण हो जाए। बाकी इनका भाग में वो खोट बा, एगो भाग में इनका खराबी बा। अभी सुनते ही सहम गई ले हिमाचल कि बाबा तनी जल्दी बताई का खराबी बा, ऐसा सुंदर बेटी हमार बिया और एकरा भाग में खराबियो बा। तो कहले कि खराबी तो ये बा हिमाचल जी कि एकर ब्याह जो ना दुल्हा से हुई जो ना लड़का से हुई वो लड़का के कोनो कुल खानदान ना हुई, ओकर कोनो बिजनेस व्यापार ना हुई, शमशान में रही, कपड़ा लता आदमी जैसा ना पहनी, भूत प्रेत जैसन रही। पहिलका जो ब्याह एकरा पहले भय रहे शिव जी के सती जी के साथे, तो संत लोग कहला कि जब ब्याह करे शिव जी गईनी दक्ष के यहाँ, तो पंडित जी खानी संकल्प में कि बबुआ नाम बतावा, अपन नाम बता देनी। तो संकल्प लिया था अपने बाबू जी के नाम बतावा। तो शंकर भगवान परेशान हो गए, बाबू जी तो है नहीं कि हम केकर नाम बताई कि हम तो स्वयंभू हई। तो हजाम जी बैठे रही हो जा कहते कि बाबा ना बताए तो ब्याह ना हुई, नमो बता दी। तो बोले केकर बताई, हमारे बाप हिले नहीं खन, हम तो अपने से पैदा होनी, न पैदा होनी न मरे नहीं, हम तो स्वयंभू हई। तो कह दी कि विष्णु भगवान राउर बाबू जी हई। तो कहने ना हो हमारे बाबू जी तो कैसे बता दी। तो कहने बता दे ब्याह करे के बाकी ना। तो कहले बता दे ठीक बा विष्णु नाम हमारा बाबू जी के। तो कहले कि ओम विष्णु विष्णु श्रीमद भगवत महापुरुष से विष्णु राज्ञा पर्वतमान से द्वितीय प्रारद श्रेष्ठ बारह कल्प सब मंत्र पंडित जी पढ़ देनी। कतनी बबुआ अपना बाबा के नाम बतावा। तो कह लो बड़ा मुश्किल से तो बाप भेटल बड़े हैं, अब बाबा के नाम कहाँ से ले आई। तो हजाम जी बैठ रहे कि बाबा ब्याह नहीं करे के, इस संकल्प ना पढ़ाई तो ब्याह ना हुई। बोल दी ब्रह्मा जी हैं बाबा। तो कहले कि ठीक बा ब्रह्मा जी हैं बाबा। तो फिर कहते रहे कि पंडित जी कि तनी पर बाबा के नाम बताई। तो बड़ा मुश्किल हो गए तीने जाने बालो। कहले विष्णु जी हमारे बाप हो या बाबा हो ब्रह्मा जी। तो हमारे बाप विष्णु जी, हमारे बाबा ब्रह्मा जी और उनका बाप हम। दक्ष के यहाँ ब्याह करे गए रहा है। एक बात बतावे कि मन आगिल है ये प्रसंग में कि जोन जग भय रहे जो ना में सती जी शरीर छोड़ ली, वो जग के बारे में कुछ बताओ के मन भइल बा। कथा प्रसंग चलत रहल हा कि दक्ष के बेटी सती रहली पहले जहाँ पहल का ब्याह भय रहे और सती जी के शरीर जग में छूटल, वो घटना भइल रहे याद आ गई हा थोड़ा बतावे के रहो लोग के मन में विचार भइल हा कि एक बार जब दक्ष का प्रजापति के पद मिलल तो दक्ष के स्वागत में 33 कोटि देवता लोग आए और 33 कोटि देवता जब चौपल लोग वहां तो उनमें शंकर भगवान भी रनी। 32,99,99,999 देवता लोग खड़ा होकर स्वागत कैलस। बाकी शंकर भगवान ध्यान में बैठल रह गई नहीं, वहां के ध्याने ना रहल कि दक्ष जी आगिल बनी। सब लोग स्वागत कैल जय जयकार भइल। दक्ष का बड़ा क्रोध आयल कि हमरे दमाद हमारा अपमान करता, ये इतना देवता लोग सब स्वागत कैलक ये हमारे दमाद भी नहीं करत। दक्ष का ही ना सोचे के चाहिए दमाद तो ऐसे ही पूज्य होले, उनकर स्वागत कैल जाला, उनका से ना करवानी एक खातिर दुखी हो गई। लोग कहला जमाता दशम ग्रह, नौ गो ग्रह होला
दमाधोल दसवा ग्रह नौ ग्रह शांत हो जाए आसानी से तो दसवा ग्रह जल्दी शांत ना हो यहां उल्टा होता कि दक्ष जी अपना जमाई अपना पाहुन पर नाराज हो गए नहीं और नाराज भेला के बाद मन में इनका विचार आयल कि हम इनका के अपमानित करें हम इनका के अपमानित करें और यही अपमानित करे खातिर दक्ष जी वो जग रखनी इस मन में विचार भेल ही बतावे के कि संसार में दक्ष के मतलब का होला दक्ष शब्द जो हिंदी में बा ओकरा के अंग्रेजी में कहल जाला इंटेलेक्चुअल प्रवीण बुद्धिमान बेसी दिमाग वाला आदमी दिमाग तो ठीक बा बेसी दिमाग हो जाओ तो आदमी के शांति से ना रह देवे टेंशने में रही आदमी बेसी दिमाग वाला तो जे भी संसार में दक्ष बा जे ज्यादा बुद्धि वाला बा वो वर्तमान में कभी ना जियेला आज में अभी में कभी ना जियेला वो भूत काल के पिछला बीतल चीज के लेके सोचत रही कि फलाना जी हमरा के ही कह देले रहले हौ हमरा के गरिया देले रहले हमर ओजा अपमान भ गए रहे और यह सब टेंशन में चलत रहे लाला ये दक्ष लोग ओकरा बाद उनका चिंता रहेला भविष्य की अब का होई अब हमार जीवन के का होई हमार लड़का कब सेट हुई आज का करे के बा एमे उना जियेला यही में जिंदगी निकलत चल जाला अंग्रेजी में क्यों लिखले बा कि पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री बट प्रेजेंट इज अ गिफ्ट पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री प्रेजेंट इज अ गिफ्ट अंग्रेजी जी पढ़ेला वो बोझी कि प्रेजेंट के उच्चारण से बदल दिए तो दू गो अर्थ हो जाला प्रेजेंट और प्रेजेंट एगो का अर्थ होला उपहार गिफ्ट एगो का होला वर्तमान तो ये वर्तमान जोन बा उहे उपहार है उहे गिफ्ट है प्रेजेंट है एकर उपयोग होके के चाहे और वो कथा में का भइल जब सब देवता लोग स्वागत करे खातिर खड़ा भइल शंकर भगवान ध्यान में रही ना उठनी कहल जाला कि हमनी के यहाँ आदमी के जो छह महीना होला देवता लोग के एक दिन होला हमनी के छह महीना के दिन के बराबर देवता लोग के एक दिन होला और हमनी के छह महीना के रात के बराबर देवता लोग के एक रात होला और देवता लोग जब कई कल्प गुजार देवला तो ब्रह्मा जी की एक पल होला और ब्रह्मा जी अपना पद पर कई युग बनल रहेले तो शंकर भगवान के एक पल होला अब वो बीच में कतना इंद्र अइले कतना गइले कतना ब्रह्मा बदलैले कतना गइले कतना दक्ष अइले कतना गइले शिव जी का पता बा अब हाथी चल जात हो को कहीं एगो चींटी कहो ए हाथी हमरा के प्रणाम ना कइला हो तो हाथी का फर्क पड़ता है कितना चींटी अइली कि ना तू प्रणाम ना कइला हाथी हम चींटी लोग के राजा बनल बनी देखो हमने कहीं बाजा बजता और हमार स्वागत होता तू ना स्वागत कइला हाथी होके अब बुझी कि चींटी के स्वागत करी हाथी हाथी के बुझाता कि कितना वो घरी चींटी लोग राजा बनता और कितना लोग चल जाता तो समस्या ये बाय दक्ष लोग के साथ बुद्धिमान लोग के साथ की वर्तमान के उपयोग ना कर रहा लोग एगो घर में एगो व्यापारी के शिष्य के घर में हम गईनी तो उनकर मेहरारू आइली खुश होके गोल लगली खली कि बाबा बड़ा खुशी के समय बार वो आइल बनी हमनी के बिजनेस में 50 लाख के फायदा भइल बा ये महीना में तो बड़ा खुश बहनी हम हूँ कि भाई चेला बालो के लोग के फायदा हुई तो हमनी के आश्रमों के फायदा हुई तले सेठ जी उन्हें से आवत नहीं मुंह लटकौले हम पूछनी का बात बस सेठ जी काहे मुंह लटकैले बनी तो मत कहीं बाबा बिजनेस में 30 लाख के घाटा हो गेल बा तो हम पूछनी कि रौरा मेहरारू के बिजनेस अलग ह राउर अलग ह तो ना बिजनेस हुआ तो एके बा हमनी के तो वो कहता रही कि 50 लाख के फायदा भइल बा वो कहता नहीं कि 30 लाख के घाटा भइल बा अरे मत कहीं हम सोचले रही कि 80 लाख के फायदा हुई 50 लाख के फायदा भाई तो 30 लाख के तो घाटा हो न गई तो हम टेंशन में कई दिन से सूतत नहीं की कई रात हो गई कि हमरा 30 लाख के घाटा हो गई अरे जोन 50 लाख मिलल बा ओकर खुशी मनाई जोन रोले ना रल राहुल ओकरा खातिर काहे रोत नहीं तो जोन हमार नहीं खे ओकरो खातिर हम रोए नहीं ये बुद्धिमान लोग दक्ष लोग के साथ ही होला कथा के प्रसंग असली हमनी के चलत रला कि नारद जी आइल बनी हिमाचल के घर में ये देखे खातिर कि जगत जननी जगदम्बा भवानी अवतार लेके आइल बनी तो कहा करता नहीं नारद जी के लगे
छोटी सी पार्वती जी के हिमाचल जी लिया बतानी कहतनी कि बाबा एकर भाग्य देख के बताई। नारद जी भाग्य बतैनी उमे सब निमन निमन बतैनी। एक बात कह देनी कि एकर जो दुल्हा मिली उस शमशान वासी हुई घर द्वार ओकर ना हुई ओकर केहू रिश्तेदार माता पिता ना हुई। इस सुन के बहुत दुखी भइले हिमाचल। कह लगले कि बाबा कोनो उपाय करी कुछो करी कि एकर भाग बदल जाओ। ऐसन सुंदर बेटी मिलल बिया और ये दुर्भाग हो गई कि बिना कुल खानदान के बिना व्यापार के बिना धन दौलत के बिना खेती किसानी के कैसे ब्याह कर देवा। तो नारद जी कहता नहीं कह मुनि सहिमावंत सुनो जो विधि लिखा लीला देव दनुज नर नाग मुनि ओ न मेटनिहार। नारद जी कहता नहीं हिमाचल सुना विधाता जोन लीलार पर लिख देले देवता मनुष्य नर नाग किन्नर केहू ओकरा के नहीं खे मिटा सकत। जोन विधाता भाग में लिख देले बनी उहे होखे अलावा ओमे से कुछ भी टालल लिखे जा सकत ओकरा के कुछ भी नहीं खे बदल जा सकत। हिमाचल गोड़ धके नारद मुनि के रोए लगले। कह लगले बाबा हम सुनले बनी साधु संत के तपस्या होला वो लोग की कृपा से भाग भी बदल जाला और रुवा तो परम भक्त बानी भगवान के दरबार में राउर आना जाना खुला बा रुवा कोनो कृपा करी एकर भाग्य बदल जाओ। तो कहता नहीं नारद जी कि समरथ कहू न दोष गोसाई रवि पावक सुरसरी की नाई कि एगो समर्थ व्यक्ति हम बतावत नहीं जो ना में सब दोष बा बाकी रोकर ये दोष ना मानल जाला। शंकर भगवान ऐसन बानी कि यदि उनका से ब्याह हो जाओ तो उनका में यह सब दोष बा बकर एको को दोष ना मानल जाला लोग उनका के पूजे लाई सब होला के बाद भी। अब ये चौपाई के लोग गलत अर्थ लगावेला कह देवे लोग समर्थ को ना दोष गोसाई कि जे समर्थ बा जे बड़ बा ओकरा दोष ना लगेला। बकरी यहाँ कहा था समर्थ कहो ना दोष गोसाई एगो समर्थ आदमी हम बतावता नहीं जेकरा में सब दोष रहला के बाद भी दोष ना कहाला। लेकिन वो होई कैसे उनका से ब्याह होई कैसे ओकरा खातिर रुवा बेटी के तपस्या करे के पड़ी। जो तप करे कुमारी तुम्हारी जो तप करे कुमारी तुम्हारी भावी उमेटी सक हही त्रिपुरारी भावी उमेटी सक हही त्रिपुरारी जो तप करे जद पीपर अनेक जग माही जद पीपर अनेक जग माही कह शिवत जी दूसर नाही कह शिवत जी दूसर नाही जो तप करे कुमारी तुम्हारी जो तप करे। नारद जी कहते नहीं हे हिमाचल यदि राउर कन्या तपस्या खातिर तैयार होको तो एकर भाग्य त्रिपुरारी भगवान महादेव बदल सकता नहीं। भाग्य जो लिखल बा वो जल्दी ना मिटे बकरी हो नियम बा कि तपस्या में बहुत शक्ति बा बड़ा से बड़ा लोहा के तप से तप मतलब गर्मी से पिघलावल जाला और सोना के भी कुंदन बनावल जाला। तपस्या में खूबी बा कि आदमी की प्रकृति बदल दी ओकर जीवन बदल दी तपे से सृष्टि बनल बा। गोस्वामी जी आगे लिखा था नहीं तप बल रचई प्रपंच विधाता तप बल विष्णु सकल जग त्राता तप बल विष्णु
सकल जग त्राता तब बल रचई तब बल संभू करहि संहारा तब बल शेषु धरहि महि भारा तप आधारे सब सृष्टि भवानी करहि जाइ तप अस जिय जानी तप बल रचई प्रपंच विधाता तप बल रचई। नारद मुनि समझावत अनि हिमाचल के कि हे हिमाचल निराश मत होका तपस्या में बहुत बड़ी शक्ति बा बड़ शक्ति बा तप से तो भगवान ब्रह्मा जी इस सृष्टि प्रकट करेने ब्रह्मा जी खातिर कहल गिल बा कि जब सृष्टि के रचना भइल के तो विष्णु जी के नाभि से कमल निकलल और ब्रह्मा जी ऊपर विराजमान रनी आकाशवाणी भइल कि हे ब्रह्मा जी 10,000 वर्ष तपस्या करें तो सृष्टि रचना के शक्ति आई 10,000 वर्ष ब्रह्मा जी तपस्या करनी तो सृष्टि की रचना भइल और तप के आधार पर विष्णु जी पालन करनी तप के आधार पर शंकर भगवान एकर संहार करनी और तप के आधार पर शेष नाग जी पृथ्वी के सृष्टि के धारण करनी हे भवानी इशारा करनी नारद मुनि भवानी जी के तरफ कि ये समझ ली हृदय में और वह तपस्या करें तपस्या से भाग्य बदल जाई। आज के कथा एहिजा विराम ली मन में कोनो जिज्ञासा हुई तो ईमेल आईडी जो दियाइल बा ए पर चाहे फोन पर चाहे चिट्ठी भेज के अपन समस्या बताई जिज्ञासा बताई समाधान कर जाई। आई 2 मिनट कथा के समापन से पहले भगवान नाम के कीर्तन कर लिया। जय राम लला जय जनक लली जय जय हनुमत बजरंग बली जय राम लला जय जनक लली जय जय हनुमत बजरंग बली जय जय हनुमत बजरंग बजरंग बली जय राम लला जय जनक लली जय जय हनुमत बजरंग बली जय राम लला जय जनक लली जय जय हनुमत बजरंग बली जय जय हनुमत बजरंग बली राम कथा राम कथा सुन राम कथा